बधाई दूंगा उनके नव निर्वाचित विधायकों के सभी सहयोगियों को बहुत बधाई और जनता का और जिस जनता ने चुन करके दोबारा सरकार बनाई है मैं जनता का बहुत आभार इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन जी को एक बार फिर पीछे गया है झारखंड को खुशहाली विकास और तरक्की के रास्ते बनाने के लिए देश के लिए झारखंड का परिणाम बहुत ही शुभ रहा। महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि तरह तरह की परिस्थितियों में भी अपने फैसले से एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट को चुन करके और यहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। सर इंडिया गठबंधन कितना मजबूत होगा? सर ये इंडिया गठबंधन कितना मजबूत होगा जहाँ महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को पराजय मिली, यहाँ पे बहुमत मिला है? सही बात है कि इंडिया गठबंधन कहीं हारा कहीं जीता। इंडिया गठबंधन के जितने भी लीडर्स हैं उनके बीच बातचीत करने के हमें उम्मीद है आने वाले समय में और गठबंधन मजबूत होगा। सर महाराष्ट्र सरकार नहीं बना पा रही है। सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है जहाँ वो किसी भी संविधान पर भरोसा नहीं करती, न्यायालय पर भरोसा नहीं करती, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उन पे किसी पे भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं या जो व्यवस्था बनी है उसको तोड़ मरोड़ करके काम करती है। हम बधाई देते हैं सुप्रीम कोर्ट को जिन्होंने कम से कम ये फैसला लिया है या ऑब्जर्व किया है कि इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है। सर संसद में जो गतिरोध अभी चल रहा है वो छूट गए कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में और मजबूती से के साथ खड़े होंगे। जहाँ देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई, किसान और आदिवासी भाई बहनों के जो अधिकार, उनकी लड़ाई लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे।